हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ललित कुमार शर्मा है और पेपर हैकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बी ए फर्स्ट ईयर की सेमेस्टर वन की पॉलिटिकल साइंस को देख रहे हैं। हमारे जो 3 यूनिट हैं वो पहले ही समाप्त हो चुकी हैं या हम कर चुके हैं। आज हमारी जो चौथी यूनिट है उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और चौथी यूनिट का भी कौन सा क्वेश्चन? 14वां क्वेश्चन। और 14वें क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे भारत में जो भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को हमें प्रदान किया गया है, उसके बारे में हमें क्या है देखना है कि कौन कौन से मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं भारतीय संविधान में। अगर हमारे पास 3-4 क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं तो हमें उसका आंसर मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन करके दे देना है। कौन कौन से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी विवेचना कीजिए, ठीक है? भारतीय संविधान में दिए गए नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्य की आलोचना, मतलब उनकी आलोचना भी करनी है कि क्यों क्यों ये गलत है। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदत्त मतलब दिए जाने वाले किए गए मूल अधिकारों का उल्लेख कीजिए, अगर इनके मूल अधिकार के उल्लेख के बारे में देना हो, ठीक है? तो इनको, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है मूल अधिकारों का उल्लेख। मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? किसी एक मौलिक अधिकार का विस्तृत वर्णन, किसी एक भी मौलिक अधिकार का, 6 में से किसी एक का भी वर्णन हमें करना है। भारतीय संविधान द्वारा कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। कौन कौन से मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं उनकी क्या सीमाएं हैं, मतलब किस हद तक वो हमारे लिए उपयोगी हैं, इसके बारे में भी हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं हमारा जो मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार अधिकारों का एक ही रूप है, मतलब ये क्या है, बहुत सारे अधिकारों का क्या एक रूप है, एक इकट्ठा रूप है। प्रोफेसर लॉस्की का मत है कि ये अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। प्रोफेसर लॉस्की ने क्या कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण विकास करना है तो उसके लिए मौलिक अधिकारों का आवश्यक होना जरूरी है, उसके पास मौलिक अधिकार होने ही चाहिए, तभी उसका क्या हो पाएगा, पूर्ण विकास संभव है। मूल अधिकार राज्य द्वारा मतलब प्रदान किए जाते हैं, वे महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक अधिकार होते हैं जिन्हें संविधान में उल्लेखित किया जाता है। मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं? सामाजिक होते हैं और राजनीतिक होते हैं, जिनको किसके द्वारा दिया जाता है, भारत के किसी भी राज्य के द्वारा, भारत के राज्य द्वारा या भारत के संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है। किनको? भारत के लोगों को। अतः जो अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, मतलब व्यक्ति के सर्वांगीण मतलब संपूर्ण विकास के लिए जो आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है? उनको क्या कहते हैं, जो व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक हो उन्हें मूल अधिकार कहते हैं, अगर हम छोटी सी परिभाषा की इसकी बात करें तो, ठीक है? नागरिकों के इसी अधिकार को कई कारणों से मौलिक अधिकार कहा जाता है। इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है इसके बारे में देख लेते हैं। ये व्यक्ति के पूर्ण नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के कौन से नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए कौन आवश्यक है? हमारे जो मूल अधिकार हैं वो आवश्यक हैं। दूसरे इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। क्या है? किसी के भी द्वारा, किसी राज्य द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका द्वारा इनका संरक्षण किया जाता है। भारत की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाईकोर्ट वगैरह है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है, उन्हें बचाया जाता है उनका हनन होने से, ठीक है? भारतीय संविधान के भाग 3, कौन से भाग में मूल अधिकारों को संविधान के भाग 3 में रखा गया है? अनुच्छेद 1235 तक नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग कौन से भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए हुए हैं? 12 से, अनुच्छेद 1235 तक भारतीय संविधान में क्या है, मूल अधिकार हमारे दिए हुए हैं। संविधान द्वारा नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं भारत में, भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के? पहले कितने थे? 7 थे, जिसमें से एक को हटा दिया गया। कौन से एक को हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को, जिसको अब कहाँ पहुँचा दिया गया? 300 काम है। पहले किसमें था? पहले ये हमारे आर्टिकल 1235 के बीच में एक आर्टिकल आता था, 31 आर्टिकल शायद था उसमें थे, लेकिन अब ये किसमें पहुँच गया है, आर्टिकल 300 काम है, उसको हटा दिया गया है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं हमारी जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, अगर हम उनको देख लें। संविधान द्वारा कितने 6 प्रकार के हैं, अब हम देख लेते हैं हमारे 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार जो हैं, जो हमें प्रदान किए गए हैं भारत के संविधान में। नंबर एक की बात करें, समानता का अधिकार। नंबर पहला जो मौलिक अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार। 6 में से जो पहला है वो समानता का अधिकार। मूल अधिकारों में समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। अगर मूल अधिकारों की बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो कौन सा है? समानता का अधिकार। ये स्वस्थ लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। किसका? स्वस्थ लोकतंत्र मतलब जिसमें जनता के द्वारा अपनी सरकार का चयन किया जाए, उसका क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। उसका क्या है? आधार स्तंभ, उसका पिलर है ये।
प्रोफेसर श्रीनिवास का मत, मतलब किसके द्वारा प्रोफेसर श्रीनिवास जो है उनका ये मत है कि इस अधिकार का उद्देश्य नागरिकों को राज्य के द्वारा प्रशासनिक व वैधानिक क्षेत्रों में किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार से सुरक्षित करना है। मतलब जो किसी नागरिक को किससे बचाते हैं, मौलिक अधिकारों का, समानता का अधिकार, प्रशासनिक व संवैधानिक क्षेत्रों में किए जाने वाले भेदभाव से हमें कौन बचाता है, समानता का अधिकार। हमें एक दूसरे के बराबर समानता का अधिकार कौन देता है, समान होने का, समानता का अधिकार द्वारा दिया जाता है। ये किसका मत है, श्रीनिवास का मत है जो प्रोफेसर। और सामाजिक असमानता के असभ्य रूप को कम करता है, मतलब असमानता मतलब जो कि एक दूसरे से असमान होने से हमें कौन बचाता है, उसके असभ्य रूप से कौन बचाता है, समानता का अधिकार। इस प्रकार समानता के अधिकार द्वारा धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के भेदभाव को समाप्त करके सभी नागरिकों को वैधानिक और सामाजिक समानता प्रदान की गई है। मतलब जाति, धर्म, वंश के आधार पर लोगों को इस भेदभाव से बचाने के लिए कौन आवश्यक है, समानता का अधिकार। इसके द्वारा हमें क्या है, समानता प्रदान की गई है, समानता के अधिकार के द्वारा, कि हमें धर्म, जाति, वंश, लिंग इनके आधार पर हम लोग क्या है, समान हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। हमारे समानता का अधिकार जो पहला अधिकार है उसका उल्लेख हमारे किसमें किया है, संविधान के कौन से भाग में किया गया है, भाग 3 में। और समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, कौन सा है, समानता का अधिकार। इस अधिकार का विस्तार से उल्लेख करते हुए भारतीय संविधान में कहा गया है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के बारे में क्या कहा गया है। नंबर एक, भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि क्या है, कानून के समक्ष समानता को किसमें बताया गया, आर्टिकल 14। अगर हम एक लाइन में बात करें तो कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14, ठीक है। फिर देखते हैं आर्टिकल 15 के बारे में। सेकेंड जो पॉइंट है आर्टिकल 15 का है, सेकेंड पॉइंट, राज्य, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15 कहता है कि हमें राज्य, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हमारे साथ क्या है, भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हमारे आर्टिकल 15 संविधान के आर्टिकल 15 में बताया गया है। किसका अधिकार है, समानता का अधिकार। तीसरा जो है वो हमारा कौन सा है, आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं, राज्य के अधीन सरकारी नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के संबंध में सब नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। सरकारी पद जितने हैं या सरकार की जितनी सरकारी नौकरियां हैं उनमें अवसर की समानता का, अवसर की समानता के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 16 में बताया गया है कि इसमें क्या होगा, सभी जो सरकारी पद हैं उनमें सब लोगों को समान अधिकार प्राप्त हैं। पांचवा देख लेते हैं आर्टिकल 17, आर्टिकल अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, संविधान में निर्माताओं ने देश में सदियों से चली आ रही अस्पष्टता मतलब छुआछूत, अस्पष्टता का मतलब है छुआछूत, ठीक है, छुआछूत को समाप्त कर दिया, छुआछूत को समाप्त करके करने का प्रावधान किया। किसमें प्रावधान किया, समानता के अधिकार में डाला कि छुआछूत को समाप्त कर दिया गया और इसे आर्टिकल 17 में रखा गया समानता के अधिकार के अंतर्गत। आर्टिकल 17 में क्या कहा गया कि अस्पष्टता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण कानून की दृष्टि से एक दंडनीय अपराध होगा। अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करता है तो क्या है, कानून के नजरों में वो आर्टिकल 17 के अनुसार एक क्या होगा, दंडनीय अपराध होगा। ये थे हमारे आर्टिकल 16। हमारे समानता के अधिकार में कितने आर्टिकल हैं, 14 से 18 तक, तो हमारा एक आर्टिकल और बच जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं आर्टिकल 18 के बारे में, अनुच्छेद 18, ब्रिटिश शासनकाल में विभिन्न आधारों पर दी जाने वाली उपाधियों, मतलब आर्टिकल 18 में देखें तो उपाधियों का अंत किया गया आर्टिकल 18 में, एक लाइन में बताएं तो, जैसे राय साहब, राय बहादुर, सर आदि को भारत के नए संविधान द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त करने का प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 18 में क्या किया गया है, जो हमारी उपाधियां थी सर और राय बहादुर, राय साहब जैसी, उन उपाधियों का अंत कौन से आर्टिकल में किया गया, कौन से अनुच्छेद में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 में, समानता के अधिकार में, ठीक है। अब क्या है, जब उपाधियां नहीं होंगी तो लोग क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के समान होंगे, भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 18 में कि सेना अथवा शिक्षा संबंधी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की उपाधियां राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएंगी। राज्य के द्वारा कौन कौन सी उपाधियां प्रदान नहीं की जाएंगी, कौन कौन सी दी जाएंगी,
केवल दो चीजों को छोड़कर, सेना की और शिक्षा संबंधी जो उपाधियां हैं वो अभी भी बनी रहेंगी, जबकि बकाया जितनी भी उपाधियां थी वो आर्टिकल 18 के अनुसार समाप्त कर दी गई हमारे समानता के अधिकार में। ठीक है, तो हम अपना दूसरा देख लेते हैं, जो दूसरा अधिकार है हमारा मौलिक अधिकार वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में देख लेते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22, हमारा समानता का अधिकार कब से कब तक था, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, जबकि हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। नागरिकों को दी जाने वाली विभिन्न स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, इसमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया हुआ है। प्रमुख स्वतंत्रताएं निम्नलिखित है, हमारे जो प्रमुख आर्टिकल हैं 19 से 22 तक उनको हम देख लेते हैं। हम तो पहले देखें तो पहला जो है सभी व्यक्तियों को भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, इसमें दी गई है हमारी स्वतंत्रता के अधिकार में। हमें कौन सी स्वतंत्रता दी गई है कि हम कहीं भी भाषण दे सकते हैं और क्या है अपने विचारों को किसी भी जगह पर व्यक्त कर सकते हैं, हमें इन्हें रोकने, हमें कोई भी इन्हें व्यक्त करने से नहीं रोक सकता भारत में, भारत के किसी भी राज्य में। दूसरा, नागरिकों को शांतिपूर्वक बिना शस्त्र धारण किए सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, मतलब कहीं पर भी बिना शस्त्र धारण किए आप क्या है सम्मेलन भी कर सकते हैं और सभा भी कर सकते हैं। ये हमारे अधिकार किसके अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। परंतु राज्य सार्वजनिक सुरक्षा की दृष्टि से इसको सीमित कर सकता है, लेकिन अगर राज्य चाहे तो इसको क्या है सीमित कर सकता है सब लोगों की सुरक्षा को देखते हुए। तीसरा है, सब नागरिकों को समुदाय तथा अथवा संघ या संस्थाएं बनाने का अधिकार है, मतलब स्वतंत्रता के अंतर्गत, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमें समुदाय बनाने की, संघ बनाने की और संस्थाएं बनाने की क्या है हमको आजादी है। इस स्वतंत्रता को भी सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से सीमित किया जा सकता है, इसको भी क्या है सार्वजनिक सब लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य इसको भी क्या है सीमित कर सकते हैं, इसको अपने अंदर में ले सकते हैं और इस पर भी कानून वगैरह बना सकते हैं या फिर उन्हें रोक सकते हैं ऐसा करने से अगर राज्य चाहे तो। ठीक है, हमारा चौथा है, प्रत्येक नागरिक को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण करने का अधिकार, भ्रमण करने का अधिकार किसमें, स्वतंत्रता के अधिकार में। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य का होकर किसी भी राज्य में घूम सकता है, भ्रमण कर सकता है, किंतु राज्य सार्वजनिक हित की दृष्टि से इसे सीमित कर सकता है, मतलब अगर राज्य चाहे तो लोगों को आने से रोक भी सकता है किसी अन्य राज्य के, अगर राज्य से आने वाले व्यक्ति को अपने राज्य में आने से रोक सकता है, किसको देखते हुए, सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए। हमारा जो पांचवा है, पांचवा, भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी राज्य में आप किसी भी राज्य के नागरिक हो और किसी भी राज्य में, राज्य में बसने और रहने की स्वतंत्रता आपको कौन प्रदान करता है, आर्टिकल मूल अधिकार का दूसरा आर्टिकल स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, आप किसी भी अन्य राज्य में बस सकते हैं। छठा, नागरिकों को कोई भी काम धंधा करने, व्यापार करने, कारोबार करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी किसी भी राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर सकते हैं, धंधा कर सकते हैं और क्या है कारोबार करने की आपको स्वतंत्रता है। आर्टिकल ये कौन से चल रहे हैं हमारे 19 से 22 तक, जो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो आप किसी अन्य राज्य में कारोबार धंधा वगैरह कर सकते हैं। परंतु सार्वजनिक हित में राज्य किसी भी व्यवसाय या उद्योग को अपने नियंत्रण में ले सकता है, जैसा कि पता है आप लोगों को सार्वजनिक हित को देखते हुए कोई भी राज्य किसी व्यवसाय या उद्योग को क्या है अपने अंडर में ले सकता है अथवा व्यवसाय संबंधी शर्तें निर्धारित कर सकता है या फिर वो उस व्यवसाय को लेकर क्या है शर्तों को डाल सकता है कि इस शर्त के आधार पर ही आप अन्य राज्य में व्यापार कर सकते हैं। उपरोक्त विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं को सीमित करने का राज्य को अधिकार है, मतलब अगर देखा जाए तो जितनी ये स्वतंत्रताएं बताई गई उनमें क्या है राज्य इन अधिकारों को क्या है सीमित कर सकता है, ना कि समाप्त कर सकता है। राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक हित, नैतिकता के आधार पर स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। किन किन आधारों पर राज्य इन मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, वो है सार्वजनिक हित, उनकी सुरक्षा, नैतिकता के आधार पर क्या है स्वतंत्रता के अधिकार पर राज्य क्या है प्रतिबंध लगा सकता है। ये किसके आए इसकी आलोचना है, जैसा कि क्वेश्चन में ऊपर पूछा गया था आलोचना भी बतानी है। हम अपने तीसरा मूल अधिकार देख लेते हैं, दूसरा मूल अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब तक हम दो अधिकार देख चुके हैं, एक कौन सा था, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, और हमारा आ गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कौन से 25 से लेके
28 तक, ठीक है, जिसमें क्या है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। पहली जो है, सभी व्यक्तियों को अंतकरण की स्वतंत्रता अथवा तथा कोई भी धर्म मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह अपने धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को भी मान सकता है भारत में रहकर, चाहे हिंदू धर्म को माने, मुस्लिम धर्म को माने, ईसाई या फिर किसी भी धर्म को मान सकता है। साथ ही में क्या है, अपने धर्म को क्या है प्रचार करने का अधिकार भी किसमें दिया गया है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में प्रदान किया गया है, वह अपने धर्म की प्रचार कर सकता है, ठीक है। दूसरा जो है, धार्मिक संस्थाओं तथा दान से स्थापित सार्वजनिक सेवा संस्था की स्थापना तथा पोषण का अधिकार। अगर कोई व्यक्ति चाहे तो दान के द्वारा या धार्मिक संस्थाओं द्वारा क्या है अपनी सार्वजनिक मतलब निजी संस्थाएं क्या खोल सकता है, निजी सेवा संस्थान भी वह खोल सकता है। ये किसके अंतर्गत दिया गया है, हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तीसरा जो है, धार्मिक कार्यों के लिए किसी धर्म विशेष द्वारा लिए गए धन को कर की अदायगी से छूट दी गई है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ये बताया गया कि धार्मिक कार्य जितने भी हैं उनमें क्या है, जो कर लगता है उसमें क्या है, कर में छूट दी गई है, उसमें कर मुक्त होते हैं, जो भी दान होते हैं जिसके द्वारा धार्मिक कार्यों में जो दान दिए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कर मुक्त होते हैं। ये भी हमारी क्या है, एक स्वतंत्रता है, कौन सी, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। चौथा पॉइंट जो है, राज्य कोष से संचालित किसी भी शिक्षा संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब जो राज्य के द्वारा जिन संस्थानों में पैसा आता है या रुपए जिनको राज्य सरकार प्रदान करती है उनमें क्या नहीं होगा, उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ये क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की आजाद, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जिससे क्या है, एक कॉलेज एक अधिकार एक मुस्लिम धर्म में या एक हिंदू धर्म में ना बटकर वह क्या है समान है, सबके लिए धार्मिक स्वतंत्रता मिल जाती है इस आधार पर हमें। तो क्या है, धार्मिक शिक्षा उसमें प्रदान नहीं की जाएगी जो किस निधि से चलते हों, जो राज्य की संचित निधि से चलते हों। इस प्रकार संविधान में सभी धर्मों को समानता दी गई है। जिसमें क्या है, इस प्रकार सभी धर्म जितने भी धर्म हैं उनको क्या है भारत के संविधान में जो स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, उन सब में क्या है सभी धर्मों को समानता की समानता दी गई है और सभी नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म को अपना सकता है, किंतु सार्वजनिक हित और व्यवस्था की दृष्टि से सरकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि सार्वजनिक हित मतलब सबकी सुरक्षा जिसमें है, सार्वजनिक हित को देखते हुए क्या है सरकार इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को क्या है अभी भी प्रतिबंधित कर सकती है या इसको निरस्त कर सकती है सार्वजनिक हित को देखते हुए। तो इसकी क्या ये हो गई इसकी आलोचना, और इसके जो ऊपर वाले तीन पॉइंट है वो क्या हो गए इसकी मतलब इसकी व्याख्या हो गई। अब हम देख लेते हैं चौथा हमारा जो अधिकार है वो कौन सा है, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। हमारे अब तक कितने अधिकार हो गए, तीन अधिकार हो गए, मूल अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हमारा जो है चौथा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। भारतीय संविधान ने नागरिकों विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग, अल्पसंख्यक मतलब जो लोग कम हैं, सबसे कम जिनकी आबादी है, उनके लिए सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकारों की व्यवस्था की है। किस किस को शिक्षा संबंधी अधिकारों की व्यवस्था की गई है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है जिन धर्मों की जनसंख्या बहुत कम है उनके लिए क्या है शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए हैं। किसके द्वारा, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के द्वारा उनको अलग से शिक्षा के अधिकार प्रदान किए गए हैं। शिक्षा के अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 में शिक्षा संबंधी और संस्कृति संबंधी अधिकार हमारे दिए गए हैं। देख लेते हैं हमारा जो पहला है, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। मतलब कोई भी वर्ग का व्यक्ति चाहे तो वह कोई भी भाषा अपना सकता है या बोल सकता है या अपनी लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। संस्कृत को चाहे वह अपनी संस्कृत लगातार बोल सकता है, उसमें धर्म उसमें उसको आज़ादी है कि चाहे वो भाषा कोई भी बोले या लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। दूसरे पॉइंट की बात कर लें, सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के सरकारी शिक्षा संस्था या सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश करने का अधिकार। अगर जो सरकारी कॉलेज स्कूल चलते हैं उनमें क्या है शिक्षा संबंधी अधिकारों के आधार पर उसे क्या है उसे एडमिशन
या उसे प्रवेश लेने से नहीं रोका जा सकता। ये उसका कौन सा अधिकार है? शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है। वह उसमें सरकारी शिक्षण संस्थाओं में क्या है? प्रवेश ले सकता है। तीसरे पॉइंट की बात कर लें, धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाएं खोलने तथा चलाने का अधिकार। धर्म या भाषा पर आधारित, मतलब धर्म से कम हूँ या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हूँ, मतलब अल्पसंख्यक मतलब जिनकी आबादी बहुत कम हो, उनको क्या है? अपनी रुचि मतलब जो उनकी इच्छा हो उसके आधार पर क्या है, वो शिक्षण संस्थाएं मतलब कॉलेज स्कूल वगैरह खोल सकते हैं तथा उन्हें चलाने का अधिकार कौन सा, कौन प्रदान करता है इन्हें? स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा मूल अधिकार कौन सा? चौथा मूल अधिकार जो है वो इन्हें ये आज़ादी प्रदान करता है। अब हम अपने पाँचवें जो मूल अधिकार है उसके बारे में देख लेते हैं। पाँचवा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब हम लोगों का किसी अन्य के द्वारा शोषण नहीं किया जा सकता। यह हमारा संविधान के कौन से अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत कौन सा आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें क्या उल्लेख किया गया है? ये अधिकार दो भाग में विभाजित है। कौन सा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में विभाजित है। अनुच्छेद 23, आर्टिकल 23। 23 क्या कहता है? बेगार या किसी से बलपूर्वक स्वयं कराना, मतलब बेगार बिना रुपए दिए उसे क्या बोलते हैं? बेगार। या किसी से बलपूर्वक स्वयं या फिर किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है और इच्छा के विरुद्ध काम करवाना गैर कानूनी अथवा वर्जित ठहराया गया है उसे क्या है? अगर किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं है कार्य करने की और अगर आप उससे स्वयं करवाते हैं, उसे कार्य कराते हैं या फिर आप बेगारी कराते हैं, मतलब बिना रुपए दिए काम कराते हैं, तो क्या होगा? वो एक दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा या फिर वर्जित है, वो वैलिड नहीं है। जिसका उल्लंघन करने पर दंड दिया जा सकता है, जिसका उल्लंघन करने पर क्या न्यायपालिका द्वारा आपको दंड प्रदान किया जा सकता है। परंतु इस अनुच्छेद का एक अपवाद ये है कि ऐसा करने में राज्य नागरिकों के बीच धर्म व जाति के आधार पर कोई पक्षपात नहीं करेगा। लेकिन ऐसा करने में क्या है? राज्य के द्वारा, भारत में राज्य है उसके द्वारा किसी भी धर्म या जाति के आधार पर ऐसा करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है? सबके लिए समान होगा। जो इसका दूसरा पार्ट है, इसके शोषण के विरुद्ध अधिकार का जो दूसरा पार्ट है वो है अनुच्छेद 24। अभी हमने देखा था अनुच्छेद 23, अब अनुच्छेद 24 के बारे में देख लेते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खान या जोखिम भरे कार्य नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई बच्चा जो 14 वर्ष से कम आयु का है उसे किस किन किन जगह पर कार्य नहीं कराया जा सकता? उन्हें कारखाने में या खान में या जोखिम भरे कार्य, मतलब हम कह सकते हैं एक भाष में बात में कि कोई भी जोखिम भरे स्थान पर किसको कार्य नहीं कराया जा सकता? 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उसे किसी जोखिम भरे स्थान पर काम नहीं कराया जा सकता है। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 24। ये उसका क्या होगा? ऐसी जगह पर उससे काम कराया जाता है उसका शोषण होगा। तो इसलिए क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये बच्चों को 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या है? शोषण ना होने से बचाता है। इसलिए हमारे कौन से मूल अधिकार में आता है, जो कि हमारा पाँचवा मूल अधिकार है। हम देख लेते हैं हमारा जो छठा मूल अधिकार और आखिरी मूल अधिकार है। हमारे संविधान में 6 ही मूल अधिकार दिए हुए हैं। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? देखो, संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना ही काफ़ी नहीं है, उनको लागू करने की संवैधानिक व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे जो छठा है, छठा मौलिक अधिकार है, वो क्या है? ये बताता है कि हम जो हमारे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको हम लागू कैसे करें अपने देश में। ये उल्लेख कौन करता है? हमारा कौन सा मूल अधिकार? 6, जिसके अभाव में मौलिक अधिकार महत्वहीन हो जाते हैं। इसके अभाव में और उन्हें लागू करने की सही व्यवस्था ना हो तो क्या है? ये सारे मूल अधिकार प्रभावहीन हो जाएंगे। भारतीय संविधान में अमेरिका के समान सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षण बनाया गया है। जैसा कि अमेरिका में मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? वहाँ की सुप्रीम कोर्ट या फिर वहाँ की जो न्यायपालिका है उसके द्वारा संरक्षण किया जाता है। उसी प्रकार भारत में जो मूल अधिकारों का संरक्षण करने के लिए किसको बनाया गया है? उसको बनाया गया है किसे? न्यायपालिका को। संघ सरकार या स्थानीय सरकारें इन अधिकारों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। कौन सी सरकार? केंद्र सरकार, संघ सरकार या फिर राज्य की सरकार। क्या है? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो मौलिक अधिकारों की हनन करता हो ऐसा कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा इस पर कानून नहीं बनाया जा सकता। यदि मौलिक अधिकारों के प्रतिकूल कोई कानून बनाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित कर देगा। अगर मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो तो उसे क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको अवैध घोषित कर दिया जाएगा और वह कानून वहीं से समाप्त हो जाएगा। नागरिकों के इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश
जिनको हम क्या बोलते हैं, रिट। रिट कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की। पहली कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश है, अधिकार परीक्षा है तथा उत्प्रेषण लेख आदि। ठीक है, ये पांच प्रकार की रिट होती है जो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है किसे, संविधान के उल्लंघन करने के प्रतिफल में, मतलब के अगर इनका उल्लंघन किया जाता है तो उसे रिट जारी करके सर्वोच्च न्यायालय उनका क्या करता है, संरक्षण करता है। इस प्रकार न्यायपालिका को मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने, जिसको न्यायपालिका के द्वारा मूल अधिकार को सुरक्षित रखने और क्रियान्वित करने के लिए समुचित साधन सौंपे गए हैं। न्यायपालिका को इसे बचाने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए क्या है, पर्याप्त साधन सौंपे गए हैं। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर कौन, भारतीय संविधान के निर्माता, ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे, संवैधानिक उपचारों और अधिकारों का जो संविधान का हृदय और आत्मा बताया, किसे, आर्टिकल जो 22 है, जो हमारा मूल अधिकार का आर्टिकल 22 है, उसे क्या बताया, आत्मा बताया है संविधान की, किसने, किसके द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका क्या है, स्थगन कैसे किया जा सकता है, उनको स्थगित कैसे किया जा सकता है। संविधान में मूल अधिकारों के स्थगन की व्याख्या की गई है। साधारण परिस्थितियों में मौलिक अधिकारों को स्थगित नहीं किया जा सकता। अगर साधारण क्या है, माहौल है, परिस्थिति है देश में, तो इन्हें स्थगित नहीं किया जा सकता किसी भी हाल में। परंतु सारे देश या देश के किसी भाग में संकट उत्पन्न होने पर, अगर किसी देश भारत जैसे भारत में किसी भी क्षेत्र में संकट उत्पन्न होने पर या भारत के संपूर्ण क्षेत्र में संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन स्थिति की घोषणा करके इन्हें स्थगित कर सकते हैं। या कैसे कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा स्थगित किया जा सकता है आपातकाल की घोषणा कर कर ही। ऐसे स्थिति में न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में क्या है, जो हमारी न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों को लागू नहीं कर सकती या उन्हें संरक्षित नहीं कर सकती। हम मूल कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। मूल अधिकार, अब तक हम क्या देख रहे थे, हमारे थे मूल अधिकार, और अब हमारे क्या है, मूल कर्तव्य के बारे में देख लेते हैं। मूल कर्तव्य के बारे में हम देख लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देख लिया कि मूल अधिकार हमारे हो चुके हैं, और हमारे क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो मूल अधिकार ही पूछे गए हैं, लेकिन इसमें क्या है, मूल कर्तव्य भी दिए हुए हैं। तो हम एक बार क्या है, मूल कर्तव्यों को भी देख लेते हैं। मूल कर्तव्य क्या उनसे हैं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या है, 10 मूल कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगर देखा जाए, जब हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय हमारे मूल कर्तव्य थे नहीं, उस समय हमारे मूल कर्तव्य क्या है, एक भी नहीं था। लेकिन 42वीं संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारी भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया, 10 मूल कर्तव्य या 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो कहाँ से लिए गए हैं, रशिया से लिए गए हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का संवैधानिक दायित्व है। जिसको क्या है, एक दायित्व है, मतलब इसको अगर वह करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो ना करे। ठीक है, ये किसके, भारत के जो लोग हैं उनके पालन करने का दायित्व बनता है उनका कि ये पालन करें मूल अधिकारों का। इन कर्तव्यों का उद्देश्य के बारे में हम देखें क्या है, इन कर्तव्य के उद्देश्य के बारे में देखें कि समाजवाद जो है, समाजवाद है और धर्मनिरपेक्षता है एवं राष्ट्रीय अखंडता को सुरक्षा प्रदान करना है। इनका मूल मुख्य उद्देश्य क्या है, मूल कर्तव्य का समाजवाद का, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रीय अखंडता को सुरक्षा प्रदान करना क्या है, मूल कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य है। संविधान के भाग चतुर्थ आ, मतलब संविधान के भाग चार में, भाग तीन में क्या था है? मूल अधिकार, और भाग चार में क्या है, संविधान के भाग चार में क्या है, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। जिन मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है वो निम्न प्रकार हैं। भारतीय संविधान के भाग चार में जो मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार हैं, ये देख लेते हैं। अगर हम बात करें नंबर एक की, संविधान का पालन तथा उनके आदर्श, संस्थाओं तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान, मतलब भारत के लोगों द्वारा संविधान का पालन करना, उनके उद्देश्य, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीक जो हैं भारतीय संविधान के, उनका पालन करना क्या है, भारत के लोगों के लिए एक मौलिक कर्तव्य है, उन्हें ऐसा करना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, क्या करे, संविधान के पालन करे, भारत के संविधान का।
और उसके आदर्शों और उसके जो आदर्श हैं, उसके जो नियम हैं उनका पालन करें, संस्थाओं और उनकी संस्थाएं उनका उनको ध्यान पालन करें, उनको तोड़ फोड़ ना करें, मतलब उनकी सुरक्षा करना क्या एक कर्तव्य है। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत और जो राष्ट्रध्वज हैं उनका आदर करना किसमें मौलिक कर्तव्य में जोड़ गया है, ना कि मूल अधिकार है, तो इसका पालन करना भी किसमें मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो राष्ट्रगान का आदर करे और किसका राष्ट्रध्वज का। हम बात करें दूसरे उसके बारे में मौलिक कर्तव्य के बारे में, कौन सा कर्तव्य, भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा किसके द्वारा की जानी चाहिए, भारत के नागरिकों के द्वारा की जाने की चाहिए, ये कौन सा दूसरा मौलिक कर्तव्य है। प्रत्येक भारतीय नागरिकों का ये कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता एकता मतलब एकजुटता और अखंडता मतलब एकता होना की रक्षा करे और उसे अक्षुण बनाए, और मतलब उसे क्या है अक्षुण एकत्रित बनाए या अखंड बनाना क्या है वो एक मौलिक कर्तव्य है, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है अखंडता, भारत के संविधान को अखंड बनाना या भारत को अखंड बनाना। हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, भारतीय आंदोलन के प्रेरक आदर्श जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके प्रेरक आदर्श जो हैं उनका पालन करना भी क्या है मौलिक कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का सम्मान करे और उनका पालन करे। हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्या थे प्रेरक आदर्श थे उनका पालन करना भी क्या है मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार है, तो उनका आदर्श करना भी क्या है हमारे भारत के लोगों को उनका आदर्श करना चाहिए, उनका किसका है मौलिक अधिकार है हम लोगों का। अगर हम चौथे मौलिक अधिकार के बारे में बात करें देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा, ये देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा कौन सा है चौथा मौलिक कर्तव्य है, भारत के लोगों को अपने देश की रक्षा और सेवा राष्ट्र सेवा करना भी क्या है मौलिक कर्तव्य है। कौन से भाग में आते हैं हमारे ये, अगर हम भाग की बात करें तो भाग चार में तो प्रत्येक भारतीय नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे, देश की रक्षा करे उसका क्या है मौलिक कर्तव्य है, और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करे, और अगर जरूरत पड़ती है तो वह क्या है राष्ट्र की सेवा करे या देश की राष्ट्र की सेवा करे देश की। पांचवें कर्तव्य के बारे में देखें भारत के लोगों में समरसता मतलब एकजुटता और भारत भावना मतलब भाईचारे की भावना का विकास करना, ये भी किस में आता है भारत के मौलिक कर्तव्य में। भारत के सभी भागों में सौहार्द और भारत भावना का विकास करें मतलब वह भाईचारे की भावना का विकास करें, भाईचारे की विकास का विकास करें, ठीक है। भाईचारे की भावना का विकास करना ही मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये हमारा किस में आता है मौलिक कर्तव्य में, हल्का सा हैंग हो रहा है। धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग पर आधारित कोई भेदभाव ना हो, धर्म भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो ये भारत के लोगों को देखना है, वो उनका क्या है मौलिक कर्तव्य है, उनको ये ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही स्त्रियों का सम्मान किया जाए, ये भी हमारा मौलिक अधिकार है मौलिक कर्तव्य है। कौन सा पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि स्त्रियों का सम्मान किया जाना चाहिए। अगर हम छठे मौलिक कर्तव्य के बारे में देखें तो छठा है समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा, मतलब हमारी जो गौरवशाली परंपरा संस्कृति की चली आ रही है उसकी रक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य है। हमारी समन्वित संस्कृति जो है गौरवशाली परंपरा जो है उसके महत्व को समझकर उसकी रक्षा करें, हमारी जो बहुत टाइम से पुरानी संस्कृति चली आ रही है उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना भी क्या है मौलिक कर्तव्य, कौन सा छठा मौलिक कर्तव्य हमारा ये है। हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 10, तो 6 हो गए। सातवां हमारा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा की जानी चाहिए और सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव बनाए रखना एक मौलिक कर्तव्य ही है हमारा। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, प्राकृतिक जो पर्यावरण है जैसे कौन कौन है वन है नदी झील वन्य जीव आदि की रक्षा करें, इन चीज़ों की क्या है भारत के नागरिकों के द्वारा इनकी रक्षा की जानी चाहिए, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे, तथा जो प्राणी आप एक दूसरे के लोग हैं उनके प्रति क्या है दया की भावना रखनी चाहिए मौलिक कर्तव्य है। आठवें मौलिक कर्तव्य की बात करें सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा से दूर रहना, सार्वजनिक संपत्ति जो सभी लोगों की संपत्ति है सरकारी संपत्ति है उसकी रक्षा और हिंसा मतलब उसके तोड़ फोड़ से दूर रहना ये क्या है एक हमारा मौलिक कर्तव्य है।
प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वह सरकारी संपत्ति जो भी है, सार्वजनिक संपत्ति जो है, उसकी क्या है, रक्षा करे, और क्या है, उसकी तोड़फोड़ ना करे या उससे हिंसा से बचना चाहिए। हमारा नवा मौलिक कर्तव्य है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन का विकास। मतलब किस किस का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होना चाहिए, मानववाद का विकास होना चाहिए और ज्ञानार्जन का विकास करना भी हमारा क्या है, भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानाचारी की भावना का विकास करे। किस किस का विकास करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, मानववाद का और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करना भी कौन सा है, मौलिक कर्तव्य, कौन सा नवा मौलिक कर्तव्य हमारा ये है। हम दसवें मौलिक कर्तव्य की बात करें, व्यक्तिगत तथा सामूहिक उत्कर्ष का प्रयास। व्यक्तिगत तो और सामूहिक उत्कर्ष, मतलब खुद का और सामूहिक सभी लोगों को मिलकर उत्कर्ष का प्रयास करना चाहिए, ये हमारा कौन सा है, मौलिक कर्तव्य है। प्रत्येक नागरिक का ये भी कर्तव्य है कि व्यक्तिगत तथा सामूहिक सभी क्षेत्रों में उन्नति का सतत प्रयास करें। मतलब सतत मतलब लगातार जारी प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप में अकेले, स्वयं के रूप अकेले और सभी लोगों को साथ में लेकर सतत विकास करना चाहिए, मौलिक कर्तव्य है, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति की ओर बढ़ सके। इससे क्या होगा, राष्ट्र हमारा क्या है, प्रगति मतलब विकासशील की ओर, विकसित देश की ओर बढ़ सके। ये थे हमारे मौलिक कर्तव्य जो 10-42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। अब हम देख लेते हैं कि हमारे मूल कर्तव्यों की आलोचना के बारे में देख लेते हैं। विश्व के अधिकार, अधिकतर देशों के संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि नागरिक मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें मूल अधिकारों से तथा नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ज़्यादातर देशों के जो संविधान है उनमें देखा गया है कि अगर लोग मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें क्या है, मूल अधिकार जो उनके प्रदान किए गए हैं उनसे वंचित कर दिया जाएगा, उन्हें वो मूल अधिकार जो है प्रदान नहीं किए जाएंगे। परंतु भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था नहीं की गई है। लेकिन परंतु भारत में क्या है, भारत में ऐसा नहीं है कि अगर तुम मूल कर्तव्यों का पालन नहीं करते हो तो तुम्हें मूल अधिकार से वंचित कर दिया जाए, जबकि अन्य देशों में ऐसा है कि मूल अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है, कब, जब मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करें। लेकिन अगर इंडिया में मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं आप, तो आपको क्या है, आपको दंड नहीं दिया जाएगा, आप करना चाहें करें और ना करना चाहें मौलिक कर्तव्यों का पालन तो ना करें। आलोचकों का कहना है कि मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर दंड की व्यवस्था ना होने से इन कर्तव्यों के संविधान में उल्लेख का कोई महत्व नहीं रहा है। कुछ आलोचकों का क्या कहना है कि अगर इन पर दंड की व्यवस्था ना की जाए उल्लंघन करने पर, तो इन्हें संविधान में होने का कोई फायदा ही नहीं है, या इनके संविधान में उल्लेखित होने का मतलब दिए जाने का कोई महत्व तो स्पष्ट नहीं होता, तो इसका कोई फायदा निकलता नहीं है, ठीक है। दूसरे, संविधान में उल्लेखित कोई मूल कर्तव्यों की भाषा स्पष्ट है। मतलब अगर संविधान में जो हमारे मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनकी क्या है, जो उल्लेखित जो भाषा है वो कैसी है, स्पष्ट है, मतलब कोई एक निश्चित भाषा नहीं दी गई है। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, सुधार की भावना का विकास आदि ऐसी बातें हैं जिनकी व्याख्या प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से कर सकता है। जैसे कि हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया हुआ है जिसको लोग अपने अपने इच्छा के अनुसार क्या कहते हैं, व्याख्या करते हैं, अपने अपनी इच्छा के अनुसार मानते हैं कि क्या है वैज्ञानिक दृष्टि। मानववाद की बात करें तो कुछ लोग मानववाद को कुछ मानते हैं, कोई कुछ मानता है। उसी प्रकार सुधार की भावना क्या है, इनका विकास क्या है, या इनकी जो भाषा है या इनका जो वर्णन है वो उल्लेखित हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो इससे क्या है, प्रत्येक लोग इसे अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग तरीके से देखते हैं। तीसरे मूल कर्तव्य व्यवहारिक ना होकर अत्यधिक आदर्शवाद नहीं है। मतलब देखा जाए तो हमारे जो मूल कर्तव्य क्या है, व्यवहारिक ना होकर, मतलब व्यवहारिक मतलब डेली जीवन में यूज ना होकर कैसे हैं, हमारे आदर्शवादी हैं। तो इनकी क्या, ये तीन आलोचनाएं हैं जो मौलिक कर्तव्यों की क्या है, जो इन्हें बताती हैं कि ये किस तरह से कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का पालन ना करने पर दंड ना देना, तथा इनकी भाषा स्पष्ट ना होना, और क्या है, तीसरा इनका व्यवहारिक ना होकर अत्यधिक कैसा होना, आदर्शवादी, ये क्या है, इसकी आलोचनाएं हैं। तो हम देखें कि क्या मौलिक अधिकार असीमित हैं, अगर हम मौलिक अधिकारों को देखेंगे ये सीमित हैं या फिर असीमित हैं। नहीं, मौलिक अधिकार असीमित नहीं है। मतलब संविधान में बताया गया कि मौलिक अधिकार क्या है, असीमित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 33, 34, 35 में इसका उल्लेख किया गया है। 33, 34, 35 कौन किस में आते हैं, हमारे मूल अधिकार में। तो मूल अधिकार में बताया गया कि क्या है, हमारे जो मूल कर्तव्य हैं वो कैसे हैं, असीमित नहीं है।
जो निम्नलिखित हैं आर्टिकल 33, 34, 35 को हम देख लेते हैं किस प्रकार बताया गया क्या है कि असीमित नहीं है मौलिक कर्तव्य। आर्टिकल 33 को देखें हम तो अनुच्छेद 33 को, संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह सशस्त्र सेना में अनुशासन बनाने के लिए तथा सैनिक कर्तव्यों का भली भांति परिपालन करने की दृष्टि से भारत के सशस्त्र बल से संबंधित मौलिक अधिकारों में आवश्यक संशोधन कर सकती है। हमारे देखा जाए तो संसद को यह अधिकार प्रदान किया गया कि सशस्त्र सेना में संबंधित जो अनुशासन है उनमें जो मूल अधिकारों में आवश्यक संशोधन जो है वो किसके द्वारा है, मौलिक अधिकार संशोधन कौन कर सकता है, संविधान के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसमें जो सशस्त्र सेना में अनुशासन है उसको लेकर हमारे मौलिक अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। हम आर्टिकल 34 को देखें, अनुच्छेद 34 को देखें, किसी संस्थान पर सेना विधि लागू होने पर मौलिक अधिकार को सीमित करने की व्यवस्था करता है। अगर किसी भी स्थान पर सेना विधि लागू हो जाती है तो वहाँ पर मौलिक अधिकार क्या है, कम हो जाते हैं, सिमट, मतलब कुछ अधिकारों में कमी आ जाती है, किसमें, मौलिक अधिकारों में, तो इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है। और यदि किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू की जाती है तो उस क्षेत्र का मुख्य सेनापति को विशेष उपबंधों के आधार पर यह अधिकार मिल सकता है कि वह किसी भी कार्य को जुर्म घोषित कर सकते हैं जिसका महत्व तो उस स्थान जिसका मुख्य स्थान क्या हो जाएगा, तो देखा गया क्या, अगर घोषित कर दिया जाता है वह किसी भी जुर्म घोषित कर सकते हैं जिसका महत्व तो उस स्थान के लिए पुनः स्थापित विधि माना जाएगा। अगर वहाँ पर मूल विधि लागू कर दी गई है, सेना मूल विधि लागू कर दी गई है, तो वहाँ जो सेनापति है उसके द्वारा क्या है, जो उस स्थान की उस स्थान पर क्या है, किसी भी कार्य को जुर्म माना जा सकता है, जिससे लोगों के मूल अधिकार में क्या होती है, कमी होती है, मूल अधिकारों का हनन होता है। आर्टिकल 35 अनुच्छेद 35 देखें, संसद के कुछ विषय हैं जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार में आता है, सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आवास संबंधी आवश्यक योग्यता को निर्धारित करना, सशस्त्र सेना तथा सेना विधि मौलिक अधिकारों से संबंधित अपराधों के संबंध में दंड निश्चित करने के लिए कानून बनाने की अनंत शक्ति देता है। इसको ये संविधान को शक्ति देता है कि इन सभी विषयों पर भारत के संविधान के द्वारा क्या है, आर्टिकल 35 के अनुसार कानून बनाया जा सकता है। चौथा देखें, जब राष्ट्रपति देश में अनुच्छेद 352 क्या है, एक आपातकालीन स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की स्थिति में लागू किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है कौन से, आर्टिकल 352 के तहत की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 19 तो मूल अधिकार का अनुच्छेद जो 19 है के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 19 के तहत जो प्राप्त किए जाने वाले जो अधिकार हैं वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं, कब, जब राष्ट्रपति आर्टिकल 352 का यूज करके क्या है, आपातकाल की घोषणा कर देता है तब। हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है मौलिक कर्तव्य में, हमारा पांचवा पॉइंट है अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 353 के तहत अधिसूचना जारी कर निलंबित कर सकता है। जैसा कि हमने शुरुआत में पढ़ा था, मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है, राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, कैसे, आपातकाल की घोषणा करके, उसके आधार पर जैसे ही आर्टिकल 353 का यूज करके क्या है, आपातकाल 352 का यूज करके आपातकाल घोषणा करता है, उसी के साथ आर्टिकल 353 का यूज करके क्या है, अधिसूचना जारी करके बकाया आर्टिकल 19 के अलावा जो मौलिक अधिकार बचे उनको भी समाप्त कर सकता है, कौन, भारत का राष्ट्रपति। छठा पॉइंट है 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है, कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमें कितने 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे, तो जो 44वां है उसके द्वारा 1978 में हुआ, तो उसके अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं किए जाएंगे। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में लागू हुआ और उसके अनुसार बताया गया कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से, अनुच्छेद 20 वाले मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 वाले मौलिक अधिकार, आपातकाल लागू होने के बाद भी क्या है, ये दोनों अधिकार समाप्त नहीं होंगे या इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। सातवां पॉइंट है, इस प्रकार देश में आपात स्थिति में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करके अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर सकता है। तो इसके अनुसार 44वें संविधान संशोधन के अनुसार 1978 के अनुसार अब क्या हो गया है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी जो अनुच्छेद हैं या सभी जो मौलिक अधिकार हैं
उनको क्या राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है आपातकाल लागू करके, लेकिन आपातकाल लागू होने के बाद भी आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रपति के द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। तो हमारा इस एक क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक मौलिक अधिकार हमारा कंप्लीट हो गया और हमारा क्वेश्चन था मौलिक अधिकारों के बारे में व्याख्या। तो हमने मौलिक अधिकारों की व्याख्या भी देख ली और आलोचना भी देख ली, मौलिक कर्तव्य भी देख ली और मौलिक कर्तव्य की आलोचना भी देख ली। तो ये हमारा था यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पेपर हैकर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।